नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अभी भी हमारे बीच कुछ आशंकाएं बनी हुई हैं, एक डर सा बना हुआ है, कई बार वो जिज्ञासा भी है। हम जानना चाहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या डिस्कशंस हो रहे हैं हमारे आसपास, और असली जो कहानी है वो है क्या है। तो असली कहानी का आप एक आधार मान सकते हैं प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल को। IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं मणिंदर अग्रवाल, और उन्होंने जो स्टडी करी अब तक, जो आकलन किए हैं, वो काफ़ी सही साबित हुए हैं। तो अब तीसरी लहर को लेकर प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल और उनकी टीम ने जो भरोसा बताया है वो काफ़ी बेहतर है। हमको इस संदेश से कुछ तो सुकून मिलना चाहिए। प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल और उनकी टीम ने जो मैथमेटिकल मॉडल यानी कि गणितीय सूत्रों के आधार पर और कई सारे राज्यों के कंपेरिजन पर जो सीरीज़ निकाली और उसके बाद जो उन्होंने स्टडी करी, उसमें ये सामने आया कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अब आशंका काफ़ी कम है। ख़त्म नहीं है लेकिन कम है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है। उनकी ये जो स्टडी बताती है, ये स्टडी 4-5 राज्यों के कंपैरिजन पर थी। प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल की जो अब तक की स्टडीज़ हैं उनमें हमें जानना चाहिए कि दूसरी लहर को लेकर जो उनकी स्टडी थी वो काफ़ी हद तक सही साबित हुई थी। प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल ने ये जो स्टडी करी है कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, इसमें उनकी टीम में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक एक्सपर्ट भी शामिल थे। उन्होंने ये जो बताया है उसमें यूपी मॉडल को बेस्ट बताया गया है। ये यूपी मॉडल बेस्ट क्यों बताया गया है, इसे भी जान लेते हैं। प्रोफेसर अग्रवाल का कहना है कि जो पहली और दूसरी लहर को देखकर जिस तरह से यूपी सरकार ने डील किया, उसमें अब तीसरी लहर की आशंका कम हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने जिस तरह से डिसीजंस लिए और लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं करी वो काफ़ी बेहतर थी। किस तरह से बेहतर थी, जो दूसरे राज्य थे उनके कंपैरिजन में बेहतर थी। ये स्टडी जो हुई है उसमें मैथमेटिकल मॉडल तो रहा ही है, एक कंपैरिजन भी रहा है कई राज्यों के साथ। यूपी का जो कंपैरिजन था वो महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और केरल के साथ था। उसमें यूपी जो है बेस्ट बचा। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी की जो दर थी वो 11% से घटकर 4% पर आना एक बेहतर स्पेस है। दरअसल फेस्टिव सीजन्स जो हैं वो कोरोना में एक तरह से कैटलिस्ट का काम करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, उसको पीक पर ले आते हैं। इस बात की अपील भी की जाती है कि फेस्टिव सीजन्स में जो डील है कोरोना को लेकर वो बेहतर की जाए, कम से कम बाहर निकला जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाया जाए। भारत सरकार ने पहले ही फेस्टिव सीजन्स को लेकर अपील की हुई है। इसके बाद जब प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल की इस तरह की स्टडी आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सुकून देने वाली है, भरोसा देने वाली है, लेकिन हमारे फॉलोअप्स कम नहीं होने चाहिए।